बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम सेंट्रल बैंकिंग जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पे बात की थी कि सेंट्रल बैंक जो है किस तरीके से वजूद में आया और उनकी किस तरीके से कंट्रोलिंग हो रही है और इनका मेन मकसद क्या है। तो हमारा ये जो आप मुख्तलिफ क्लासेस के लिए ये जो कोर्सेज हैं या जॉब के लिए आप कंप्लीट कोर्स थ्रू वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com और सेल नंबर गिवन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से कंट्रोल हो रही है। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी सेंट्रल बैंक्स आर आल्सो नॉट द सेम। हर कंट्री का जो बैंक है उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम कंप्राइजेज 5 एजेंसीज और ग्रुप्स ऑफ एजेंसीज। ये जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है उसकी अगर बात की जाए तो उसके 5 ऑर्गन्स हैं, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, द फेडरल एडवाइजरी काउंसिल और द फेडरल रिजर्व बैंक्स एंड देयर ब्रांचेज। तो जो ब्रांचेज वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अलावा मेंबर बैंक्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो इनकी मुख्तलिफ जो फंक्शनिंग है वो मुख्तलिफ जो तकसीम का है या डिवीजन की जा सकती है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवीजन होती हैं यानी कि उसको एक ख़ास फंक्शन उसको सौंप दिया जाता है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज एनविसेज इन द स्टेट बैंक ऑर्डर इज़ नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव इन इट्स ऑपरेशन। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, मुनाफा बख्श एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं है, बल्कि इट इज़ टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसका मेन जो फंक्शन है वो मॉनेटरी यानी कि कितना पैसा हमने जो मार्केट में लेके आना है, कितना पब्लिकली उसको हमने जो है सर्कुलेट करना है। अगर पहले इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमने उस पर इंटरेस्ट रेट कम करके कैसे उसको विदड्रा करना है। इसके अलावा या इंटरेस्ट रेट हम इतना बढ़ाएं कि लोग जो है वो खर्च करने की बजाय जो प्रॉफिट जो थ्रू बैंक्स है वो उसको तरजीह दें, तो इस तरीके से इकोनॉमी से पैसा वापस आ सकता है और इन्फ्लेशन रेट नीचे जा सकता है। खैर, ये हम डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसकी सारी शदोमद के हवाले से सारी बातें हम करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम अगर यहाँ पर बात करें तो मनी का कंट्रोल और जो क्रेडिट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको कंट्रोल करना या फिर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कायम करना, इन्फ्लेशन रेट जो है उसको जो एक शरह सूद है उसको एक ख़ास हद तक मेंटेन करना, ये इस बैंक का मेन फंक्शन होता है। एंड टू फोस्टर इट्स ग्रोथ, और उसकी जो है ग्रोथ को बढ़ाना किसी भी कंट्री की इकॉनमी की इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो मकसद क्या होता है कि मुल्की मफाद के लिए सम टाइम जो है वो इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है और सम टाइम कम किया जाता है, और इकोनॉमी को जो है स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए और सम टाइम ग्रो कराने के लिए, लोगों को ज़्यादा पैसे की एक्सेस देने के लिए भी उसमें लचक लाई जाती है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज़ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें मैन है, कैपिटल है, लैंड है, उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो उनको फुली यूटिलाइज़ करने के लिए किस तरीके से वो फंक्शनल हो सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस पर पॉलिसीज बना रहा होता है और फंक्शनिंग कर रहा होता है। द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैंक वेस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास ये पावर है कि वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर। वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें एक गवर्नर होता है, दूसरा एक डिप्टी गवर्नर होता है और 8 जो है डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये आप कंपोजिशन याद रख लें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, एक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और 8 जो हैं उसके डायरेक्टर्स होते हैं। देर इज़ आल्सो एन एग्जेक्टिव कमेटी, और इस जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी एक एग्जेक्टिव कमेटी भी होती है, विच इज़ एम्पावर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिसका काम क्या होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है उसके बिहाफ पे सारी वर्किंग कर रहे होते हैं और उसकी फंक्शनिंग जो उन्होंने काम करने होते हैं, डिसीजन करने होते हैं, उनके नीचे ये काम कर रहे होते हैं और एडवाइजरी के तौर पर उनको सलाह मशवरा देते हैं, उनको जितनी भी फीडबैक चाहिए, इनपुट चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड मोनिटर द बैंकिंग सिस्टम, द सेंट्रल बैंक
इशूज़ लॉज एंड रेगुलेशन फ्राम टाइम टू टाइम। जो बाकी बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए भी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये लॉज इशू करता है, लॉज फार्मूलेट करता है। दीज रेगुलेशन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। ये जो गाइडलाइन है किसके मुताबिक हो सकते हैं, अकाउंट किस तरह ओपन करना है, लिमिट अगेंस्ट एडवांसेस, कितना एडवांस किसी को दे सकते हैं, सेटिंग अप इंटरनल ऑडिट सिस्टम और उसका अंदरूनी जो ऑडिट सिस्टम है वो किस तरीके से होगा, रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व फॉर द बैंकिंग कंपनी। कोई भी बैंकिंग कंपनी है जो बैंक के रेलिमेंट यानी कि जो पैसे उधार लेते हैं और क्रेडिट पर देते हैं, ये बैंकिंग एक्टिविटी होती है, ये बैंकिंग कंपनी होती है, उसके लिए वो रिजर्व का एक लिमिट मेंटेन करने के लिए भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स फॉर द एवरी बैंकिंग कंपनी, हर बैंकिंग कंपनी के जो है लिक्विडिटी, ताकि वो जो अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मीट कर सके, उसके लिए भी डिज़ाइन किया जाता है पॉलिसीज़ को। इन शॉर्ट सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो जो सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये क्या काम करता है, अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली बॉडी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें एक कमेटी बन जाती है, समटाइम वो सुप्रीम कोर्ट के जो अपने फैसले उनसे भी बड़ा फैसला होता है, यानी कि अपेक्स कमेटी का मतलब जो सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होती है। तो सेम इस तरीके से अगर फिनेंशियल मैटर्स की बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो जो सबसे बड़ी बॉडी है, जो अथॉरिटी वाली पावर रखती है या सबसे बड़ा जिसका रोल है, वो सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, और ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन का काम करता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में ये सबसे बड़ा इदारा है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू ओवरसी द बैंकिंग सिस्टम इन द नेशन बाई एक्टिंग एज ए बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मेन जो क्या है मकसद है, ये बाकी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ओवरसी कर रहा होता है, उसका ध्यान रख रहा होता है, उसको सुपरवाइज कर रहा होता है इन नेशन बाई एक्टिंग एज ए बैंकर, एक बैंकर के तौर पे, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके एक्ट पे ये फंक्शनिंग कर रहा होता है। इट इज़ फुली चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग दी इंटरनल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इसका मेन मकसद क्या होता है, इसके पास फुल पावर होती है, जिम्मेदारी भी होती है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो है स्टेबिलिटी मुल्क में फिनेंशियल मैटर्स में कायम रखे। इन डिवेलपिंग कंट्रीज द सेंट्रल बैंक इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन प्रमोशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो जो डिवेलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान है, तो इसकी एक और एडिशनल जिम्मेदारी होती है, वो होती है जो इकोनॉमी है उसको प्लान करना और डेवलपमेंट के जो काम है उनको कंट्रोल करना और इकोनॉमी को रन करने के लिए उसको स्लो डाउन कब करना है, फास्ट ट्रैक पे कब लेके जाना है, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाना है, कब कम करना है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां भी सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ही सौंपी गई हैं बीएंगे डेवलपिंग कंट्री। तो बाकी हर कंट्री का एक अपना एक चार्टर होता है सेंट्रल बैंक का, जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमने कंसंट्रेट करना है सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फंक्शनिंग को। तो आपने जितना ये देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन क्या है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो क्या काम कर रही होती है, इसके अलावा अपेक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल है, इसके अलावा एडिशनल जो जिम्मेदारियां इसको सौंपी गई हैं वो आपने माइंड में रखनी है, ताकि हम अगले जब टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो आपको ये माइंड में जब रहेंगे तो सारी चीज़ें जो बाकी लिंक अप करते जाएंगे, एडिशनल टॉपिक्स आते जाएंगे, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मुझे ज़्यादा जो खुदा